हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस 12,828 स्पेशल ड्राइव के पदों पर आने वाली फोर्थ लिस्ट के बारे में। चूंकि यहाँ पे आपकी जो तीसरी लिस्ट है वो आउट कर दी गई है और नॉर्थ ईस्ट सर्कल की सेकेंड लिस्ट को भी आउट कर दिया गया है। बस ये है कि सेकेंड लिस्ट की जगह पर जो नाम है वो थर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिन बच्चों का थर्ड लिस्ट के अंदर नाम आ चुका है, उनके कई सारे कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं, उन सभी का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। और फोर्थ लिस्ट के अंदर कितने बच्चों का नाम आएगा, क्या डेट रहेगी, क्या 70% वालों को इस बार मौका मिलेगा, और अगर उससे भी कम है 40-50 से 60% तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। SS महादेवा जो कि JDS के महासचिव हैं, उन्होंने कल 2 से 3 वीडियो अपडेट किया और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी जानकारी शेयर करी जो कि आपको पता होनी चाहिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल के द्वारा दी गई इंडिया पोस्ट ऑफिस से जुड़ी जानकारी एकदम सही साबित होती है, ट्रस्टेड होती है, तो आप लोग अभी कभी इस वीडियो को एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं थर्ड लिस्ट के बारे में। थर्ड लिस्ट आउट हो चुकी है। अगर अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि थर्ड लिस्ट के बारे में मैंने पहले ही अनाउंसमेंट किया था और नॉर्थ ईस्ट सर्कल की सेकेंड लिस्ट के बारे में भी बताया था कि 20 अगस्त से पहले आपकी जो लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी और इस बार नॉर्थ ईस्ट की लिस्ट भी साथ में जारी की जाएगी। तो 19 अगस्त को आपको जो है तो लिस्ट देखने को मिल गई। हालांकि देर रात 18 अगस्त को ही 10 बजे के बाद जो है तो लिस्ट पब्लिक कर दी गई थी, लेकिन उस समय कोई एक्टिव नहीं होता, इस वजह से मैंने सुबह 7 बजे के टाइम पे वीडियो अपलोड किया। इससे यह साबित होता है कि जो मेरी जानकारी होती है वो बिल्कुल एकदम सटीक होती है। अब बात करते हैं कितने बच्चों का नाम आया। टोटल मिला के मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितने बच्चों का नाम आया है, कौन से सर्कल से नाम आया है। और इस डाटा के हिसाब से अगर चलें तो 6,245 प्लस बच्चों का नाम यहाँ पे देखने को आपको मिला है, जबकि पिछली लिस्ट में आपको 5,500 बच्चों का नाम देखने को मिला था और इस बार नॉर्थ ईस्ट सर्कल को भी इंक्लूड करने के बाद 6,245 बच्चों का नाम देखने को मिला है। जो टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं वो केवल 500 प्लस ही हैं, यानी कि जो आपकी 5,500 बच्चों की लिस्ट आई थी उसमें केवल 500 बच्चे ही जो है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हुआ। तो कुल मिला के अभी भी जो है तो यहाँ पे आपको 6,245 में से केवल 1,000 बच्चे ही सेलेक्टेड दिखेंगे। आगे आपको 5,000 से भी ज़्यादा बच्चों की एक बार और चौथी लिस्ट देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे सर्कल वाइज कितने बच्चों का नाम आया, कहां से कितनी सीटें थी और अगली लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आएगा। उससे पहले आपको कुछ थर्ड लिस्ट से जुड़ी जानकारी देते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा नाम आ गया है लेकिन मुझे कोई मैसेज या ईमेल नहीं आया, तो ऐसे में मैं उनको केवल, कल मैंने कई सारे बच्चों का रिप्लाई भी किया है कि उनको जो है तो परेशानी ना हो, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को रेडी करना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट की वीडियो यूट्यूब पर है, आपको देख लेना है, किसी की भी वीडियो देख लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सही जानकारी हो। सभी डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने के बाद उसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, आपका आइडेंटिटी प्रमाण पत्र, आपका जो 10th का मार्कशीट है और आपका और भी 2-3, जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए PH है तो उसका सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, कुल मिला के आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी करके अपने नियर बाई जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ आपको पहुँच जाना है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चालू है, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आखिरकार जाना कहाँ है, तो देखिए इसको, इसके लिए मुझसे ना पूछे, आप अपने फॉर्म को ओपन करिए, PDF होगा, ऑफलाइन आपके पास हार्ड कॉपी होगी, उसको देखिए, उसमें लिखा होगा साफ साफ कि आपने कौन से जिले में, सॉरी कौन से राज्य में कौन सा जिला चुना हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद एक और कमेंट है कि जिनका नाम नहीं आया है थर्ड लिस्ट में वो अगली लिस्ट के लिए काउंसलिंग कैसे करें, तो देखिए ये कोई कॉलेज लेवल का एडमिशन नहीं हो रहा कि आपको हर लिस्ट के लिए अलग से आवेदन करना होगा या काउंसलिंग करना होगा, इसमें ऑटो जनरेटेड होगा। थर्ड लिस्ट में जिनका नाम आया है उनका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर वहां पे कोई नहीं पहुंच पाता है तो उनको बाहर करके ऑटोमेटिक मेरिट को जनरेट किया जाएगा विदाउट काउंसलिंग। यहां पे आपको फोर्थ लिस्ट के अंदर नए बच्चों के नाम देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे डाउट है लेकिन अब हम बात करेंगे फोर्थ लिस्ट के बारे में। आपके मन में अगर इस लिस्ट या 12,828 पदों पर भर्तियों से जुड़ी कोई भी मन में शंका है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। देखिए पहले हम डेट के बारे में बात करते हैं। डेट के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर 36 बच्चों का नाम आया,
असम सर्कल के अंदर 112, बिहार के अंदर 66, छत्तीसगढ़ के अंदर 137, गुजरात के अंदर 65, हरियाणा के अंदर देखे थर्ड लिस्ट में, सेकंड लिस्ट जब आई थी 6 बच्चों का नाम था और थर्ड लिस्ट में यहाँ पे 5 बच्चों का नाम आया, यानी कि एक बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। हिमाचल प्रदेश के अंदर 13, जम्मू कश्मीर के अंदर 64, झारखंड के अंदर 720, कर्नाटका के अंदर 21, मध्य प्रदेश के अंदर 1472, महाराष्ट्र के अंदर 257, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2172, उड़ीसा के अंदर 360, पंजाब के अंदर 12, राजस्थान के अंदर 523, तमिलनाडु के अंदर 14 और तेलंगाना के अंदर 43, उत्तर प्रदेश के अंदर 112, उत्तराखंड के अंदर 16 और वेस्ट बंगाल के अंदर 25 बच्चों का नाम आया। ये लिस्ट मैंने कल भी एनालिसिस करी थी, 6245 बच्चों का नाम टोटल यहाँ पे निकल के आया। इसमें से 1000 बच्चे केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल होंगे, आप रख लीजिए शर्त, या फिर आपको मेरा अगर डाटा पहले से पता होगा तो आपको जानकारी होगी। अभी भी 5000 बच्चों की फोर्थ लिस्ट आएगी, मैं यहीं पर कन्फर्म कर देता हूँ। इसके अलावा आपको बता दें फोर्थ लिस्ट के अंदर डेट क्या रहेगी, तो देखिए आपको जो समय दिया गया है वो दिया गया है 28 अगस्त तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पर यहाँ पे आपको 5 दिन का एक्स्ट्रा समय भी मिलता है। आपको पता होगा डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह से आप जो है तो सितंबर के महीने में पहुँच जाएंगे, 3 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्लोज हो जाएगी। इसके बाद एक हफ्ते यानी कि 7 दिन मान के चलते हैं कि मैक्स टू मैक्स यानी कि हम लेते हैं अपनी तरफ से, अगर छुट्टी वगैरह देखने को मिलती है चूँकि इधर त्यौहार भी है, तो एक हफ्ते मान के चलते हैं कि इनको लगेगा एनालिसिस करने में कितने बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, कहां से कितनी सीटें खाली है और मेरिट को जनरेट करने में। कुल मिला के आप 10 सितंबर पहुंच गए हैं। अब मेरी डेट को ध्यान से सुनिएगा, 10 से 15 सितंबर के बीच में आपकी पहली लिस्ट यहां पे, सॉरी फोर्थ लिस्ट आपकी 12828 पदों पर आउट करी जाएगी, ठीक है ना। डेट को ध्यान से देखिए, 10 से लेकर 15 सितंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। 70% वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, देखिए इस बार जो कट ऑफ बनी है वो काफ़ी हाई है, हालांकि कुछ फ़र्क पड़ा है, कुछ जो है तो रिड्यूस है, लेकिन आपको यहाँ पे अभी भी यहाँ पे 70% वालों का मौका लगता नहीं दिख रहा। ऐसे में जिनका और भी कम परसेंट है 40, 50, 60, उनको मैं केवल एक ही सुझाव देना चाहूँगा, जो अभी शेड्यूल 2 की वैकेंसी है उसके अभी भी जो है तो फॉर्म भरे जाने शुरू हैं, वो कभी भी बंद हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आप लोग जरूर से कर लें और एक बार खुद से जो है तो सभी सर्कल डिवीजन का देख लें, एनालिसिस कर लें कि कट ऑफ क्या रहता है, जहां से भी आपको लगे कि यहां से मेरा चयन हो सकता है वहां से आप आवेदन करें, वो आपको देखना है अपने परसेंट अपने कैटेगरी के बेसिस पे। इसके अलावा एक चीज और, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया उनके लिए क्या सुझाव है, देखिए उनके लिए सुझाव एक ही है कि जब फॉर्म एडिट और करेक्शन का मौका मिलेगा तो अपना एनालिसिस करके रखें कि मुझे कहां से आवेदन करना है, क्या चेंज करना है, और आवेदन करने का मौका मिलते ही आपको पहले मेरी वीडियो को देखना कैसे फॉर्म को एडिट करना है, गलती नहीं करनी है, मौका एक ही बार मिलेगा उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पहले मैं वीडियो बनाऊंगा उसको देखिएगा कैसे एडिट करना ताकि इस बार कोई गलती ना हो, उसके बाद आपको जो है तो यहां पे सिलेक्शन मिलने के चांसेस बरकरार रहेंगे। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक लिस्ट को देखा नहीं है उनके लिए एक सुझाव है, sarkarijobtv.com या फिर sarkarijobtv गूगल पे टाइप करेंगे आपको पेज मिलेगा, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड सॉरी रिजल्ट का यहाँ पे टैब मिल रहा, इसके अलावा भी यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा 12828 की थर्ड मेरिट, आपको इस पर ओपन करना है, ओपन करके आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 19 अगस्त को आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, सबसे नीचे आएंगे तो स्टेट वाइज आपकी PDF अपलोड कर दी गई है, यहीं पे एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको PDF स्टेट वाइज सिंपल एक क्लिक में जाती है, आपको सिंपली यहां से डाउनलोड कर लेना है। फोर्थ लिस्ट की अपडेट भी यहीं पे हम करेंगे, इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे एक बार विजिट करना है और विजिट करके कंप्लीट जानकारी को देखना है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है इस वैकेंसी को लेकर तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ID का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आपको जो है तो देखिए DM के लिए कई सारे मैं वीडियो बनाता हूँ, कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, भारी भारी 100-100 DM होते हैं, मैं सभी का रिप्लाई एक ही टाइम पे नहीं कर सकता, आपको इंतजार करना होगा, हो सकता लेट भी हो जाए, हो सकता रिप्लाई ना भी मिले, क्योंकि मैसेजेस इतने ज़्यादा होते हैं, काम इतना होता है, तो आप कोशिश करें YouTube वीडियो में ही कमेंट करें ताकि मैं अगली वीडियो के अंदर उनको कमेंट को पिक कर सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।